नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का रुख भारत के खुफिया एजेंसी के चीफ सामंत कुमार गोयल से मिलने के बाद नरम पड़ता जा रहा है। ओली ने विजयदशमी की बधाई देने के बाद अपनी तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर नेपाल की वही पुराना नक्शा शेयर किया जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पिया धूरा शामिल नहीं है। हालांकि विपक्ष की तरफ से आलोचना के बाद ओली के कार्यालय ने सफाई दी कि ये नक्शा छोटा है, इसलिए वे सभी भाग नजर नहीं आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ओली के रुख में ये बदलाव रॉ के चीफ सामंत कुमार गोयल से बुधवार को काठमांडू में प्रधानमंत्री आवास बलुआतार में मुलाकात के बाद आया है। बता दें कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी अगले महीने नेपाल जा रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर विजयदशमी के शुभकामना संदेश के दौरान पुराना नक्शा दिखाए जाने पर हुए विवाद के बाद अब ओली के कार्यालय की ओर से सफाई दी गई है। विवाद बढ़ने के बाद नेपाली PM ओली के कार्यालय की ओर से सफाई देते हुए इन आरोपों को खारिज किया गया है और कहा गया है कि संशोधित नक्शे का आकार छोटा है, इसलिए दिख नहीं रहा है। इस बधाई संदेश में नेपाली PM ने जिस नक्शे को ट्वीट किया है उसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पिया धूर का जिक्र नहीं किया गया है, जिसका वो नए नक्शे में अपना क्षेत्र होने का दावा करते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर ओली लगातार ट्रोल हो रहे हैं।